ओस ताज़ा होता है, उसमें ताजगी भरी होती है, उसी प्रकार उसकी भी ताजगी ओस से की गई है। दूसरा है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं टहला अकेला एज अ क्लाउड, अर्थात मैं टहला अकेला बादल की जैसे, जिस प्रकार बादल आसमान में अकेला टहलता है उसी प्रकार मैं भी अकेले घूमा। इसमें भी एज शब्द है, तुलना किया गया है एज शब्द के द्वारा, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सिमिली है। हाँ, आपको और ये भी बता दें कि आपको जिस भी सेंटेंस में ये शब्द दिख जाएं, एज लाइक सो या सो एज लाइक एज, आप उसे ये मान लीजिए वो सिमिली ही है, क्योंकि सिमिली के ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आशा है आपको ये सिमिली समझ में आया होगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग, अगर आप लोग को समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसे, आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और भी कुछ पूछ सकते हैं, और हम यही आप लोग को होमवर्क देंगे कि आप लोग 5 आप लोग एग्ज़ाम्पल लिखेंगे और हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। थैंक यू।